प्रदेश विधानसभा चुनाव के समय जनवरी महीने में सपा ने अपना घोषणा पत्र जारी किया था 2012। तब सपा ने अपने घोषणा पत्र में कहा था जैसे दलितों को पिछड़ों को आरक्षण मिला है वैसे ही मुसलमानों को आरक्षण दिया जाएगा, ये सपा ने 2012 के घोषणा पत्र में कहा था। सपा ने डंके की चोट पर कहा था कि वो इसके लिए संविधान तक बदल देगी। 2014 के लोकसभा चुनाव में सपा ने फिर अपना घोषणा पत्र जारी किया, इसमें फिर सपा ने मुसलमानों को आरक्षण देने का ऐलान किया कि अब इंडी वालों ने तय किया है कि मुसलमानों को आरक्षण देने के लिए एससी एसटी ओबीसी अति पिछड़ों का आरक्षण छीनने के लिए अब वो आखिरी उपाय खोज लिया है और वो आखिरी उपाय है उनका संविधान में बदल लाना, संविधान में लिख देना। वो कहते हैं कि संविधान में लिखेंगे मुसलमानों को आरक्षण दिया जाएगा, एससी एसटी ओबीसी परिवारों को गारंटी देता हूं, अति पिछड़े परिवारों को गारंटी देता हूं। जब तक मोदी जिंदा है, 24/7 talk to an expert to secure your seat and one ओबीसी और अति पिछड़ों के हकों को छीनने नहीं दूंगा। इंडिया अलायंस को अपने वोट बैंक की गुलामी करनी है तो करे, उनको वहां जाके मुजरा